हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जानना एक महिला के लिए जो कि प्रेग्नेंट होने के लिए तैयारी कर रही है, कंसीव करने के लिए कोशिश कर रही है, क्योंकि इससे आप समय रहते अपनी प्रेगनेंसी को जान पाते हैं, परख पाते हैं, पहचान पाते हैं। तो अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम के हर एक एक लक्षण को मैंने अलग अलग कवर किया है, बिल्कुल विस्तार से एलैबोरेट करके आपको समझाया है, तो उन सभी वीडियोस को देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसी क्रम में आज मैं आपको अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान जो पैरों में दर्द होता है, ऐंठन होती है, वो विषय विस्तार से बताने वाली हूँ। और ये बहुत ज्यादा पूछा गया है मुझसे कमेंट में बहुत सारी सहेलियों द्वारा, इसलिए ये विषय मैं प्रायोरिटी से कवर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप YouTube सहेली पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं YouTube सहेली को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, इसके साथ ही वीडियो को पूरा जरूर देखें। फ्रेंड्स, YouTube सहेली चैनल पे मैं डेली एक फर्टिलिटी से रिलेटेड टिप्स का वीडियो अपलोड करती हूँ, जो कि बहुत ही उपयोगी होता है, सरल है, सुलभ है, घरेलू उपाय होते हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और वो बहुत सहजता से आप प्रयोग करके कंसीव कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारी महिलाओं का अनुभव रहा है YouTube सहेली पे। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि लैग क्रैम्प, लैग पेन या पैरों में ऐंठन का क्या कारण होता है, क्यों होता है अर्ली प्रेगनेंसी में, और इसको हम कैसे समझें, ये कब शुरू होता है, और इसका निदान क्या होता है, इससे आप बचें कैसे, इसको सॉल्व कैसे करें। सबसे पहले जानेंगे कि इसका कारण क्या होता है अर्ली प्रेगनेंसी में लैग क्रैम्प, पैरों में ऐंठन का कारण क्या होता है, पैरों में दर्द का कारण क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही एक महिला गर्भ धारण कर लेती है तो उसके शरीर में हार्मोन्स में बहुत ही ज्यादा उतार और चढ़ाव बना रहता है, होने लग जाता है। तो हार्मोन्स का बदलाव इसका प्रमुख कारण है। इसके अलावा ब्लड का सर्कुलेशन का जो तरीका है वो भी काफी हद तक बदल जाता है। ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेशन जो है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूट्रस के आसपास होता है, क्योंकि वहां बहुत तेजी से कार्य शिशु को, भ्रूण को विकसित करने के लिए चल रहा होता है, तो सर्कुलेशन भी उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए भी लैग क्रैम्प्स होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा एक प्रमुख कारण जो बहुत ज्यादा रिसर्च में सामने आया है और माना जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, स्पेशलिस्ट के द्वारा, कि कैल्शियम जो आपके शरीर में होता है वो प्रेगनेंसी होते ही वो कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बच्चे के विकास के लिए डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ही बच्चे के टीथ, बोन्स और नाखून आदि का विकास होता है। तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा आपकी बॉडी में जो भी कैल्शियम आप इंटेक कर रहे हैं फूड से या जो भी स्टोर है वो डाइवर्ट होता है, तो कहीं ना कहीं माँ के शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है अगर आप पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं ले रहे हैं। तो ये एक प्रमुख कारण माना जाता है अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में दर्द का। इसके अलावा एक कारण और है जिसके कारण अर्ली प्रेगनेंसी में लैग क्रैम्प होता है, वो है मिसकैरेज का साइन। हालांकि मिसकैरेज के ऊपर मैंने बहुत ही अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाए हैं, तो अगर आप अर्ली प्रेग्नेंट हुई हैं, हाल ही में प्रेग्नेंट हुई हैं, या आपको लग रहा है कि आपको कंसीव हो गया, तो उन चीजों को जरूर देखें ताकि किसी भी अनजाने खतरे से आप अपने आप को और अपने बच्चे को बचा सकें। अब हम जानेंगे कि ये लैग क्रैम्प होता कब से है। फ्रेंड्स, कंसीव होने के कुछ समय बाद ही कई महिलाओं को ये समस्या आने लग जाती है, एक दो हफ्ते के बाद से ही आ सकती है, किन्हीं में देरी से भी आती है। ये पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है और शरीर पे डिपेंड करता है। अब हम जानेंगे कि अगर आपको लैग क्रैम्प हो रहा है तो आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले हमें अपने भोजन में, हमें अपने खाने में विटामिन डी की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए, जैसे कि दूध है, सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चीज, पनीर, दही आदि चीजों की मात्रा हमें अपने खाने में बढ़ा देनी चाहिए। और जैसे ही आपको पता चलता है कि आपने कंसीव कर लिया हुआ है, आप गायनिक के पास जाते हैं, तो जब डॉक्टर आपको सप्लीमेंट्स लिखता है तो उसमें भी कैल्शियम के सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि आपको नियमित लेने चाहिए। इसके अलावा डेली सुबह की गुनगुनी धूप में 10 मिनट का बॉडी को एक्सपोजर मिलना चाहिए, जिससे कि बॉडी के अंदर विटामिन डी का प्रॉपर सिंथेसिस हो सके। इसके अलावा आपको सावधानियां क्या रखनी चाहिए इस समय में लैग क्रैम्प अगर आपको हो रहा है, तो सबसे पहले आपको पैरों को क्रॉस करके नहीं बैठना है। ये पूरी प्रेगनेंसी में आपको फॉलो करना है कि आपको अपने पैर को एक पैर पे दूसरा पैर रख के क्रॉस करके बिल्कुल भी नहीं बैठना है। दूसरी बात,
कि आपको बहुत ज्यादा देर तक एक ही जगह पे खड़े नहीं होना है या फिर एक ही जगह पे बैठना नहीं है, इससे आपको समस्या हो सकती है पेन की। इसके अलावा आपको बहुत ही कंफर्टेबल क्लॉथ पहनने हैं जिन जो खुले हों और जिनके अंदर हवा आराम से पास हो सके, इससे आपको असहज महसूस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी अर्ली प्रेगनेंसी में लेग क्रैम्प की सारी बातें। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं और इसी तरह यूट्यूब सहेली पे बने रहें। जल्दी मिलूंगी एक नए विषय के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।